नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 10 जनवरी और नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। असम में एसडीएफ और पुलिस का बड़ा एक्शन, 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। एसडीएफ और कमीरगंज जिला पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान मादक पदार्थ का यह जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें मिजोरम से ड्रग्स की आवाजाही के बारे में एक इनपुट मिला था, उसी खबर के आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया जिसमें यह तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि पीएम मोदी आज करेंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया था। तब से अब तक 9 बार यह समिट हो चुका है। इस समिट का 9वां संस्करण 2019 में हुआ था। तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि लक्षद्वीप में शराब को लेकर क्या है पॉलिसी, जाने कहां कहां खरीद सकते हैं अल्कोहल। दोस्तों आपको बता दें कि लक्षद्वीप में शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी नहीं है। सरकार की मंजूरी के बाद लक्षद्वीप में कुछ ही जगहों पर शराब बेची जाती है। लक्षद्वीप में शराब सिर्फ यहाँ की राजधानी कावारत्ती और बंगारम आइलैंड पर ही बेची जाती है। चौथी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज बड़ा दिन। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर का आएगा फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली शिवसेना कौन सी है। बड़ी बात यह है कि अगर एकनाथ शिंदे आयोग ठहराए जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। पांचवी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 4 जनवरी को लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर यहां घूमने की अपील के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों की मोदी और भारत विरोधी टिप्पणियों ने दोनों देशों के बीच एक नया विवाद पैदा कर दिया है। हालांकि मालदीव सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित कर दिया और कहा कि इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी पर गंभीर चिंता जताई है। छठवीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि मेरठ की मावना तहसील में शुक्रवार दोपहर अलीपुर मोराना गांव के निवासी एक अधेड़ किसान जगवीर गुज्जर ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। इसमें वो बुरी तरीके से झुलस गए थे। शनिवार रात को उनकी मेरठ में एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। रविवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जगवीर के परिजनों का आरोप है कि उनकी जमीन पर वन विभाग ने अवैध कब्जा किया है। उनका आरोप है कि 4 जनवरी को उनकी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया गया। इसी से नाराज होकर जगवीर ने आत्महत्या कर लिया है। सातवीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित श्री रामलीला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आम जनमानस के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर निर्देश दिए हैं। इस विशिष्ट अवसर को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश में मदिरा आदि की दुकानें बंद रखी जाए। आठवीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान नहीं रहे। मंगलवार को कोलकाता के एक अस्पताल में उन्होंने 55 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वे प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। दिसंबर से उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। 23 दिसंबर को खबरें आई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले कुछ दिनों से वे आईसीयू में भर्ती थे और वेंटिलेटर पर थे। शुरुआत में उनका इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में चला, लेकिन बाद में वो कोलकाता लौट आए थे। नवीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि धुएं से घुटा दम, कमरे में जलती अंगीठी रखकर सोया था पूरा परिवार। 2 बच्चों की मौत, माता पिता की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी के मैलानी में सर्दी से बचने के लिए कमरे में जलती अंगीठी रखकर सोए एक परिवार के 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। उनके माता पिता की हालत गंभीर है। पिता का उपचार मैलानी के निजी अस्पताल में हो रहा है, जबकि माँ की हालत गंभीर है। उसे पीलीभीत रेफर कर दिया गया है। दसवीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट जारी है। नई दिल्ली की ट्रेनों में 23 से 26 जनवरी तक बंद रहेगी पार्सल सेवा, बुकिंग पर रोक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली की ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर रोक लगाई गई है। वाराणसी से दिल्ली जाने वाली शिवगंगा, काशी विश्वनाथ, बनारस, नई दिल्ली सुपरफास्ट समेत अन्य ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर अस्थायी प्रतिबंध है। तो दोस्तों ये रही अब तक की पूरी अपडेट। खबर कैसी लगी है? अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।